हेलो स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th में मैथमेटिक्स के अंदर लीनियर एंड इक्वेशन, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, 6x-5/4x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर 6x-5 इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये 5/6 हो जाएगा लेस देन में। अगर एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर किसी भी नंबर का एक फ्रैक्शन आपका लेस देन है तो दूसरा ऑलरेडी ग्रेटर देन में ही आएगा। तो यहाँ ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये आपका ग्रेटर देन। एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है -1/4 से बड़ी आ रही है, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1/4 -1/4, ये ओपन इंटरवल में, और कहाँ तक जाना है 5/6 तक, ये भी ओपन इंटरवल में, तो ये हमारा इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जब किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था यूनियन वाला, तो यहाँ पर ये था इक्वल टू आ रहा था। तो जैसे हमने इसमें किया तो ये हो गया हमारा -x+7, x इज ग्रेटर देन 7, x इक्वल टू हमने रखा था इसको 2 के लिए, ये था अपना x-2। अब जब हमने इसको क्या करा, जब ये ग्रेटर देन की 0 पर हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, x-2 इज़ लेस देन 0 होगा, तो x इज़ लेस देन 2। x की वैल्यू 2 से तो छोटी होगी और 7 से बड़ी होगी, तो ये हमारा बना था, ठीक है, 2 से छोटी और 7 से बड़ी। तो 2 से छोटी कहाँ तक जा सकती है, -∞ तक जा सकती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू -1/4 से तो बड़ी चाहिए और 5/6 से छोटी चाहिए, तो इसमें यूनियन नहीं बनेगा, क्योंकि इससे तो बड़ा चाहिए ना, इससे पीछे तो की तो बात ही नहीं हो रही है, और 5/6 से छोटी चाहिए तो इससे बड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ ये इंटरवल बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। तो 6 को इधर ले लेंगे तो 4x, -6 < 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4x + 3 - 12x और प्लस में 6 × 5 = 30, और x + 3 - 12x और 6 × 5 = 30 प्लस में, तो हो जाएगा -8 + 33, ये नीचे आ जाएगा 2x - 5 < 0, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 33, इफ में लगा देते हैं, इज लेस देन 0, 8x हो गया, -8x + 33 इज लेस देन 0। यहाँ से माइनस साइन ले लिया हमने कॉमन, -33 > 0, -7 जब मल्टीप्लाई कराएंगे 8x > 33 आगे हमारा ग्रेटर देन, ठीक है।
फिर आता है अगला केस इफ दिस वन 2x-5, अभी तो ग्रेटर देन ये हो गया लेस देन जीरो, 2x < 5, x < 5/2, एक्स की वैल्यू 33/8 से तो बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से बिलोंग कराएगा देखो, 33/8 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 33/8 कॉमा इन्फिनिटी तक, और एक्स बिलोंग्स टू इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटिव से और 5/2। ठीक है, ये दोनों आपके यूनियन में आ जाएंगे। थर्टी थ्री अपॉन एट एक्स बिलोंग्स टू 33/8 पहले लेंगे माइनस वाला, माइनस इन्फिनिटी 5/2 यूनियन 33/8 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट है थर्ड था, फोर्थ देखिए, फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, तो 5x - 6 - x - 6 1x + 6 60 हो जाएगा आपका 4x - 12/x + 6 < 0। इफ 4x - 12 < 0 x < 12/4 x < 3 इफ x + 6 > 0, क्योंकि जो एक अगर लेस देन हो गया तो दूसरा ग्रेटर देन आना, उसका अपोजिट आना है, x > -6। ठीक है, तो माइनस सिक्स से बड़ा होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस सिक्स से तो बड़ा होना चाहिए और थ्री से छोटा होना चाहिए, तो जब भी माइनस सिक्स से ग्रेटर का कोई टर्म आ जाएगा तो आपकी इमेज जो है इस तरह से बन जाएगा -6 3। अब देखो फिफ्थ पार्ट देखिए, यह x / x - 5 > 1/2। x / x - 5 - 1/2 > 0, तो 2x - x + 5 2x - 5 ऐसे जाएगा 2x - x + 5 और 2x - 5 > 0, तो ये हो जाएगा इफ x + 5 > 0 x > -5, फिर इफ 2x - 5 > 0 x - 5 > 0, तो x < 5। तो यहाँ पर -5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 टू
फाइव, ये हो जाएगा माइनस फाइव टू फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट सेशन 9.2 का नेक्स्ट वीडियो में।